केदारनाथ धाम यात्रा शुरू करने की तैयारी चल रही है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला देवस्थानम बोर्ड लेगा। इसे लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने रायशुमारी शुरू कर दी है। बैठकों का दौर चल रहा है। इस सिलसिले में डीएम वंदना चौहान ने तीर्थ पुरोहितों के साथ बातचीत की। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि कोरोना को लेकर देश में स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में केदारनाथ यात्रा को फिलहाल अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यात्रा शुरू होगी तो यहाँ भी कोरोना फैलने की आशंका बनी रहेगी। वहीं डीएम का कहना है कि हर वर्ग के लोगों की राय देवस्थानम बोर्ड तक पहुँचा दी जाएगी। इसके बाद बोर्ड जो फैसला लेगा उसके हिसाब से जिला प्रशासन काम करेगा। होटल व्यवसायी, तीर्थ पुरोहित समाज, घोड़े खच्चर वाले, तमाम हमारे क्षेत्र के वासी जो हैं ये जाते हैं फिलहाल यात्रा जो है स्थगित कर दी जाए, क्योंकि आने वाले जो यात्री बाहर से आएगा वो निस्संदेह संक्रमित होगा और न हो केदारनाथ जैसे पवित्र स्थल एक बीमारी का भयंकर रूप ले लें। तो इसके लिए हमने आज माननीय जिलाधिकारी महोदय से तमाम लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए और उन्होंने इसको स्वीकारा कि भाई ये होना चाहिए। जनपद स्तर पे प्रशासन सभी वर्ग के लोगों से डिस्कशन कर रहा है, उनके सुझाव ले रहा है। ये सुझाव जल्द ही चारधाम देवस्थानम बोर्ड को उपलब्ध करा दिए जाएंगे और जो भी उनका निर्णय होगा उसके आधार पर ही प्रशासन कार्रवाई करेगा।